तो गाइज ये बेसिंग है और ये ट्रॉली है और ये सिंगल साइड जो है वो गैस सिलेंडर है। तो माल सब कटिंग हो गया है और ये कैसे क्या प्रेस होगा, ये प्रेसिंग चालू है। ये फ्री स्पेस है, यहाँ चार डोर का शटर आएगा, वो कैसे आएगा, बीच में पार्टीशन आएगा और दो डोर इधर। हमने ऑलरेडी सब माल कटिंग कर लिया है, कृष्णा प्रेसिंग कर रहा है, कटिंग चालू है, प्रेसिंग भी चालू है। तो कैसे क्या करेंगे, इधर जो है बेसिंग, इधर दो डोर आएगा और बीच में तो ट्रॉली है और ये सिंगल साइड है, उधर एक शटर आएगा। तो और इधर जो है ये स्पेस में इधर चार डोर आएगा। तो आइए दिखाते हैं कैसा सब, कैसा क्या माप रहेगा वो मैं सब आपको बताता हूँ। इधर बेसिंग के नीचे फ्रेम करेंगे और दोनों साइड पार्टियाँ लगाएंगे फ्रेम करके। ये दो डोर खोलने के लिए रहेगा, दो डोर इधर। ये ट्रॉली है तो ट्रॉली के अंदर सिर्फ ये सब पार्टियाँ मोहरी टाइट किया जाएगा। तो तीन इधर और तीन इधर, कैसे क्या है मैं इसलिए भी पता। ये आ गया 28 इंची, 28 इंची माप है तो 14 14 का दो डोर आ गया और ये हाइट आ गया का। तब आप 22 इंच या ये पट्टी, हमने ये पट्टी लिया 4 इंच का या 3 इंच का, आपको 2.5 इंच से ज़्यादा पट्टी ले सकते हैं, 3 इंची 4 इंची आपको जैसा जमे। तो ये नीचे नीचे फिट करेंगे इसके लेवल से, ये कर्फे के लेवल से फिट करेंगे और वहाँ से डोर दीवार तक जाएगी फिर। और उधर क्या है, उधर गुरु आ जाएगा। अब हमने ट्रॉली आपको नज़दीक ला के दिखा देते हैं, देखिए बीच में हमने सेंटर निकाल लिया है, एक बार आपको अब बात बता देते हैं। ये देखिए, ये जो अपना ये एंगल है, एंगल पे 1.5-2 दौरा का गुरु निकल, सबको ये 13.5 इंची है तो 13.5 इंच पे हम मार्किंग लगा लेंगे और फिर इसको हम आप देखेंगे। ये भी 13.5 इंची रहेगा, चौड़ाई जो कितना एमएम रहेगा वो रहेगा और साइड में एक शटर आएगा तो उसको भी पिलर जाम कर लेंगे। तो ये 18.5 हाइट जो रहेगा, हाइट सबको सेम ही रहेगा लेकिन ये ट्रॉली वाले बीच का जो है ना वो बीच का सब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे क्या करेंगे वो सब दिखाएंगे। फिट करते तो मैं नहीं था, मैं बॉम्बे चला गया था, लेकिन ये देखिए सब माल रेडी हो गया है फिट करना। अब देखिए फिट कैसे होता है, तो काम सब चालू है। इधर का भी माप ले लिए हैं, सब कटिंग हो गया है, इधर चार डोर रहेगा, बीच में पार्टीशन रहेगा, चार डोर रहेगा और दोनों साइड जो है पिलर पट्टी टाइट करना पड़ेगा। तो सब दिखाएंगे। ये देखिए इसका लंबाई कितना है, 62 इंची है लंबाई, तो 20 20 इंच का दरवाज़ा बैठेगा, चार डोर
बीच में पिलर पड़ेगा, दो डोरी इधर और दो डोरी, तो गाइस चार डोर होगा। हाइट 26.5 इंच है, किचन थोड़ा हाइट में कम है इधर। ये सब माल कटिंग हो गया है, सब प्रेसिंग व्रेसिंग चालू है, तो दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये फिट हो गया है, और फिट हो गया है, ये देखिए ये ट्रॉली है, ये जी है, फिनिशिंग अच्छा हुआ है। नीचे का ये थाली वाला है, बड़ा वाला, ये देखिए। तो ऐसा करके ये सिंगल साइड आपको बताए थे जो गैस सिलेंडर रहेगा, और उधर भी 3 ट्रॉली है, 3 ट्रॉली, ये देखिए सबसे नीचे वाला ये है, ये भी है, और ऊपर वाले भी, ये देखिए। और साइड में जैसे हम बताए थे एंड में दो डोर है, तो वो दो डोर है। तो गाइस जैसे कि हमने बताए थे आपको, इधर एक गैस के लिए डोर दिया गया है, तो इधर हमने फ्रेम करके, और इधर एक शटर कर दिया, इधर गैस रहेगी, और इधर 3 ट्रॉली है, ये देखिए वो मैं पूरी अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ। ये दो शटर है जो लास्ट में बताए थे, इधर बेसिन के नीचे में दो शटर है, तो ऐसा ही है। देखिए जैसे हम आपको बताए थे, ये बेसिंग है, बेसिंग के नीचे दो शटर है, और जैसे कि मैं इधर बताए थे आपको, जो ज़्यादा स्पेस है, स्पेस है, तो और इधर भी तो इधर बड़ा सा ये था स्पेस था, बीच में पार्टीशन दिया गया है, पार्टीशन खड़ा करके, ये देखिए पार्टीशन खड़ा करके, और एक, ये दो, ये 3, और ये 4, जो खाली स्पेस दिखाई थे पीछे हमने, और ये 4 डोर आ गया ऐसे, ये किचन है, और ऊपर ये आपको पहले दिखाए थे, तो ये रेडी हो गया है, ये भी रेडी हो गया है, और उसमें हैंडल लगेगा, तो हैंडल लगाते हुए वो भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए गाइस ये सब रेडी हो गया है, जैसे पीछे हम बताए थे, और इधर भी रेडी हो गया है ये स्पेस, तो हम कल नहीं देखा है, कल परसों देखे, तो ये लोग फिट कर दिया, इसमें थोड़ा और काम है तो करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसका जो हैंडल विंडल है, तो हम
नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे हैंडल चेस किया है साहब ने और कैसे क्या रहा, तो हैंडल लगाते हुए भी दिखाएंगे हम। ये रहा तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे प्यार बनाए रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।